नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान एग्रीन इंडिया से। भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2023 को विभिन्न 6 रबी फसलों की MSP बढ़ाई है। आइए जानते हैं कि MSP कितनी मात्रा में बढ़ाई गई, किस अनुपात में बढ़ाई गई है और इसका बाजारों पर क्या असर पड़ सकता है। आज गेहूँ के MSP करीब 150 रुपये बढ़ाकर 2275 रुपये प्रति क्विंटल की गई और बीते सीजन में MSP को 110 रुपये बढ़ाकर 2125 रुपये किया गया था। बाजरा की MSP 115 रुपये बढ़ाकर 1850 रुपये प्रति क्विंटल की गई तथा चना की MSP 105 रुपये बढ़ाकर 5440 रुपये प्रति क्विंटल की गई। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले सीजन में भी चना की MSP 105 रुपये बढ़ाकर 5335 रुपये प्रति क्विंटल की गई थी। मसूर की MSP 425 रुपये बढ़ाकर 6625 रुपये प्रति क्विंटल की गई। पिछले सीजन में मसूर की MSP 500 रुपये तक बढ़ाई गई थी और पिछले सीजन में मसूर की जो MSP थी 6000 रुपये प्रति क्विंटल थी। यानी इन दो सीजनों में देखें तो मसूर की MSP 925 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाई गई है। सरसों की MSP जो है पिछले वर्ष 400 रुपये बढ़ाई गई थी और जो इस वर्ष 200 रुपये बढ़ाई है, तो अभी नई MSP जो है 5450 रुपये प्रति क्विंटल हो चुकी है। सैफ्लावर यानी कुसुम की MSP जो है 150 रुपये बढ़ाकर 5800 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। आपको जानकारी के लिए बता देंगे कि गेहूं की जो MSP है उसमें 150 रुपये की वृद्धि की गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। जिस हिसाब से संकेत मिलते हैं कि सरकार चाहती है कि गेहूँ का उत्पादन बढ़े, जो कि स्वाभाविक है। पिछले 2 सीजन में गेहूं का उत्पादन कमज़ोर पड़ने से गेहूं का स्टॉक जो है वो लगातार घटा है। मौजूद भाव को देख साफ जाहिर था कि किसान जो है गेहूं के MSP गेहूं की बिजाई जो है बढ़ाएंगे, क्योंकि गेहूं के भाव अच्छे थे। MSP बढ़ाए जाने से किसानों को और प्रोत्साहन मिल सकता है। एग्री इंडिया का मानना है कि इस वर्ष भारत में गेहूं की बिजाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच सकती है। अगर मौसम ने साथ दिया तो रिकॉर्ड उत्पादन भी पहुंच सकता है। अभी हाल ही में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश हुई। इस बारिश से गेहूं की फसल जिन एरिया में रबी सीजन की फसल बोई जाएगी उसमें नमी की मात्रा अच्छी की लगभग सभी फसल को नमी से लाभ मिलेगा। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई, माफ कीजिएगा, वहाँ चना की बिजाई बढ़ सकती है। अन्य फसलों की जगह किसान जो है राजस्थान गेहूँ की फसल को प्राथमिकता दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में बारिश हुई है तो किसानों का रुझान गेहूँ की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि चना और सरसों की कीमतें जो हैं वो बीते सीजन में और अभी भी कम है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसान अन्य राज्यों की तरह सरसों की जगह गेहूँ को प्राथमिकता दे सकते हैं। और पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो अभी जो बारिश हुई है उससे गेहूँ की फसल को जो है लाभ मिलेगा और किसान जो है रकबा इन दोनों राज्यों में भी बढ़ सकता है। गुजरात में स्वच्छ अनाज की जगह किसानों को रुझान मसालों की तरफ अधिक रह सकता है, क्योंकि पिछले सीजन में धनिया जीरा के भाव जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे थे। और जिन क्षेत्रों में मसाला का उत्पादन नहीं होता वहाँ किसान गेहूँ और चने का एरिया यानी फसल को प्राथमिकता दे सकते हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक में इस बार बारिश का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और नमी की मात्रा भी सही नहीं है। इन क्षेत्रों में किसान जो है चने को प्राथमिकता दे सकते हैं। चने को पानी की आवश्यकता कम रहती है और जिस अनुपात में मसूर की MSP बढ़ाई गई है उससे देख मुझे लगता है कि मसूर के लिए भी बढ़ सकता है। पिछले 2 सीजन में काफ़ी अच्छे मतलब 950 रुपये की जो बढ़ोतरी है काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी कही जा सकती है। कुल मिलाकर सरकार जरूर चाहेगी कि इस वर्ष देश में जो है गेहूं का, सरसों का और मसूर का अच्छा उत्पादन हो ताकि ऐसे और आत्मनिर्भरता रहे और चुनावी सीजन के दौरान उपलब्धता कमजोर ना पड़े। धन्यवाद।